2022 खत्म होने को आ रही है, जहां पर 2022 की वीक 51 की बीआरसी की टीआरपी भी निकलकर आ चुकी है। इस हफ्ते टेलीविजन के सभी शोज की टीआरपी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल गई, जहां पर कई शोज की टीआरपी पहले तो बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा अच्छा टीआरपी के साथ इस शो ने बीआरसी के टॉप 10 में भी धमाकेदार एंट्री किया है कई शोज ने। तो कौन से वो शोज जिसने इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीआरपी गेन किया है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 की जो लास्ट वीक की टीआरपी है वो तो जनवरी 2023 में ही निकल आएगा, लेकिन जो 2022 के वीक 51 के टीआरपी में इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमाल किया है स्टार प्लस के शो बन्नी सौ होम डिलीवरी ने। इस शो का टाइम स्लॉट कुछ समय पहले ही चेंज कर दिया गया था, उसके बाद भी इस शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां पर इस शो का टीआरपी इस हफ्ते 1.1 निकल कर आई है, जहां पर इस शो की टीआरपी बहुत हफ्तों से 1.0 निकल कर आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते 6:30 के टाइम स्लॉट पर इस शो ने 1.1 टीआरपी लाकर सभी को शॉक कर दिया है, जहां पर इस शो बहुत ही जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। लेकिन इस शो की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ऑडियंस इस शो को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरे शो की हम बात करें वो है सोनी सब के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सोनी सब पर लॉन्गेस्ट रनिंग शो है और टेलीविजन की भी वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। ये शो बहुत हफ्तों से पीआरसी के टॉप 10 से बाहर था, लेकिन इस हफ्ते इस शो ने 2.0 टीआरपी के साथ धमाकेदार एंट्री किया है बीआरसी की टॉप 10 के लिस्ट में, जहां पर इस शो की अभी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई जा रही है, ऑडियंस को कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, जहां पर गोकुलधाम सोसाइटी के जेठालाल को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इस हफ्ते इस शो ने 2.0 की धमाकेदार टीआरपी के साथ बीआरसी के टॉप 10 में एंट्री किया है। तीसरे शो की हम बात करें जी टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य। इस शो को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर रणबीर और प्राची की कहानी दिखाई जा रही है। इस शो ने भी इस हफ्ते कर दिया है कमाल और टीआरपी में ज़बरदस्त एंट्री किया है टॉप 10 में, जहाँ पर इस हफ्ते इस शो की टीआरपी 1.8 निकल रही है और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश है इस टीआरपी को देखकर, क्योंकि इस शो बहुत हफ्तों से बीआरसी के टॉप 10 से बाहर था और इस हफ्ते इस शो ने धमाकेदार एंट्री किया है इस लिस्ट में। कुमकुम भाग्य के अलावा जी टीवी के शो राधा मोहन ने भी इस हफ्ते टीआरपी में करा है बड़ा धमाल, जहां पर राधा मोहन की इस हफ्ते की टीआरपी 1.6 निकल रही है, जहां पर ऑडियंस इस टीआरपी को देखकर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का सीजन 2। इस शो को ऑडियंस इतना ज्यादा पसंद करते हैं, 6 बजे के टाइम स्लॉट पर इस शो की टीआरपी इस हफ्ते 0.9 निकल रही है, तो एक बहुत बड़ा टीआरपी है 6 बजे के टाइम स्लॉट पर, जहां पर अर्ली टाइम स्लॉट पर इतना ज्यादा टीआरपी कुछ खास निकल कर नहीं आता है, लेकिन इस शो ने काट दिया है कमाल, जहां पर राधिका मुथुकुमार की सिमर के किरदार ने सभी को मोह लिया है और टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है, जहां पर इस शो में हर हफ्ते ही सुपर नेचुरल ट्रैक देखने को मिलता है, उसके बाद भी इस शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल रही है। उसके अलावा कलर्स टीवी के बिग बॉस 16 को इस हफ्ते 2.0 की टीआरपी मिला है। सोनी सब के बागले की दुनिया को इस हफ्ते 1.0 की बढ़ती हुई टीआरपी मिला है। ये है कुछ शो जो इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा अच्छा टीआरपी के साथ धमाल किया है बीआरसी के टीआरपी में। तो इनमें से आपको कौन सा शो सबसे ज्यादा पसंद आता है टेलीविजन पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।